नमस्कार, मैं विद्या, अनुष्का's किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुंदरू महाराष्ट्र में इसे तेंडली के नाम से जाना जाता है। आज हम इसकी सब्जी बनाने वाले हैं। ड्राई सब्जी है और इसकी खास बात यह है कि इसमें मैंने अदरक लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया और बहुत ही स्वाद भरी बनने वाली सब्जी। तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे कुंदरू की सब्जी। तो सबसे पहले कढ़ाई में देंगे हम तेल। तेल के गर्म होते ही देंगे राई, देंगे जीरा। राई और जीरा मैंने आधा आधा चम्मच दिया है। आलू, आलू को मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। एक महीने तक तेज आंच पर मैंने इसे भून लिया है। आलू क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने एक बड़ा प्याज लिया है। प्याज को भी मैंने लंबा लंबा और मोटा मोटा काटा है। प्याज के साथ डालेंगे हम सूखी लाल मिर्चें। और एक मिनट तक तेज आंच पर प्याज को भूनना है ताकि प्याज नरम हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कुंदरू। कुंदरू को भी मैंने मोटा मोटा ही काटा है। एक मिनट तक तेज आंच पर ही इसे चलाएंगे। अब हम इसमें देंगे नमक। स्वाद अनुसार नमक दिया है मैंने। आंच को धीमा कर देंगे, एकदम धीमी आंच पर। ढक्कन देके इसे पकाएंगे हम लगभग 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे पर, और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि सब्जी तले में लगे ना। 5 से 6 मिनट हो चुका है। कुछ अब हम चेक करेंगे ढक्कन हटाकर। कुंदरू लगभग पक चुका है। अब बारी आती है मसालों की। अब हम इसमें देंगे मसाले। हल्दी पाउडर देंगे, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर दी 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला। अच्छे से मिला लेंगे मसालों को। मसाले मिलने के बाद हम फिर से ढक्कन देंगे, धीमी आंच पर इसे 1 मिनट तक पकाएंगे। हमने जो मसाले दिए हैं वो बहुत अच्छे से सब्जी में घुल मिल जाए। मसाले देने के बाद 1 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन हटाएंगे और सबसे आखिर में देंगे, इसे स्वाद बहुत ही बढ़ने वाला है, वो आधा नींबू का रस मैं दे रही हूँ। नींबू के रस से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। मिला ले, नींबू का रस को हमने अच्छे से मिला लिया है। तेज आंच पर इसे 2 मिनट तक रखेंगे ताकि सब्जी थोड़ी क्रंची हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और सब्जी बहुत बढ़िया सी तैयार हो गई है। मैं इसे अभी परोस लेती हूँ। मजेदार सी कुंदरू की सब्जी आप जरूर जरूर बनाएं। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।